अच्छा राजा हुआ है। उग्र सेन भूपाल सुनो सब हाल प्रजा रे राजी और जकिया सती रत की दूजा रे सूरग में भैया सकीरत की दूजा रे सूरग में भैया काजी अरे प्रजा है पुत्र समान देत है जान तुझी को काजी ओ पवन रेखा जग प्यारी रे के पिया के दिल में बाजी ओ पवन रेखा जग प्यारी रे के पिया के दिल मथुरा नगरी में उग्रसेन के नाम के राजा राज करते हैं जिनकी प्राण प्यारी का नाम है पवन रेखा। बंधुओं हमारे हिंदुस्तान में कैसी कैसी शक्तियों ने जन्म लिया है। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस कर लिया और इन्हीं शक्तियों में नाम आता है माता पवन रेखा का। बंधुओं पवन रेखा दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है, उनका आशीर्वाद लेती है। बंधुओं लेकिन वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि अति गुणी सो निर्धनी और अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान के पास दौलत का संग्रह नहीं होता और ज्यादा खूबसूरत स्त्री बांझ होती है। बंधुओं हुआ क्या विधि ना की कैसी नजर निकाली है जाके भयो नलाला लाली है विधि ना की कैसी नजर निकाली है जाके भयो नलाला लाली बंधुओं महारानी पवन रेखा के कोई संतान नहीं हुई है। आज महारानी पवन रेखा आंगन में बैठी बैठी रो रही है। इधर महाराज उग्रसेन जब आए हैं तो देखा है पवन रेखा रो रही है। तो बंधुओं जवाब दिया है महाराज उग्रसेन ने कि रानी तुम रो रही हो। एकदम से रानी पवन रेखा कहने लगी हाँ महाराज मैं रो रही हूँ। क्यों जवाब दिया सुनिए महाराज मैं क्यों रो रही हूँ। और आज पवन रेखा अपने पति को समझा करके क्या बोली है कि इतने दिन तक ना संतान हुई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है महाराज निवल कहलाते हैं या दुखिया निवल कहलाते हैं या दुखिया बाज कहती है आ,
जवाब दिया है रानी पवन रेखा ने कि महाराज मेरे समान कुल में कुलक्षणी कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने किसी बेटे को जन्म नहीं दे पाई, इसीलिए ये दुनिया आपको निर्वंशी कहती है। आप ये कहते हैं कि आप निर्बल हैं, मुझे बांझ कहते हैं। एकदम से राजा उग्रसेन कहने लगा, महारानी ये दुनिया किसी को कुछ नहीं देती हमेशा। अगर ये दुनिया की चले तो ये दुनिया हमारे हाथ से भोजन भी छीन लेगी, लेकिन हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं तो तेरा हूँ पगली। जवाब दिया रानी पवन रेखा एकदम से कहने लगी, नहीं महाराज, आज मेरे दिल में बड़ी बेचैनी सी हो रही है। क्यों? क्या हुआ? तो आज समझा करके रानी पवन रेखा क्या बोली है, महाराज सुनिए कि आज मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, क्यों हो और क्या बोली है। अरे कछु बात प्यारे हो तेज से क्यों धड़क रहा है, मेरी नथनी भी टूट गई। और सुनिए महाराज क्या बोली है रानी पवन रेखा, मेरी बिटिया सैया रपटी भाल पे छूटी, दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। राजा उग्रसेन कहने लगा, अरे तुम तो बड़े कमजोर दिल की बन रही हो। अरे नारियों का स्वभाव कितना साहसबल होता है, कितना साहस होता है नारियों के अंदर, और तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। जवाब दिया है महाराज, मैं आपसे एक इजाजत चाहती हूँ। रानी पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज उग्रसेन कहने लगे क्या बात है बताओ। तो आज रानी पवन रेखा क्या बोली है सुनिए महाराज, मेरो अंगना में मनो नहीं लगी रो है कहूं डोलिया में,
प्यार दिए हैं। जवाब दिया है रानी पवन रेखा ने, महाराज आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं किसी जंगल में जाना चाहती हूँ, जंगल में जा करके विद्वानों के संतों के दर्शन कर लूंगी तो शायद मेरे दिल में तसल्ली मिल जाए। जवाब दिया है कि महारानी अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है जंगल में जाने के लिए तो तुम जा सकती हो। बंधुओं रानी पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज मेरी सखियां भी जा रही हैं, अपनी सखियों के साथ में जाऊंगी। बंधुओं आज रानी पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में जंगल की ओर बढ़ी हैं, तो जंगल में क्या देखा रानी पवन रेखा ने? कदम कदम पर फूलों की बहार है, कोयलियां क्यों क्यों की आवाज कर रही है। बंधुओं और हुआ क्या है, रानी जब जंगल में पहुंची है तो रानी अपने आप को रोक नहीं पाई और क्या हुआ? अरे जंगल को देखो रूपौरे की रथ से रानी कूदी, लोगों आज रानी पवन रेखा अपने आप को रोक नहीं पाई है और जंगल से जैसे ही जंगल में पहुंची है तो एकदम से रथ से कूद गई और ये बहुत आगे निकल गई। बंधुओं उसी समय रानी पवन रेखा जब अपनी सखियों से छूट गई और बहुत आगे निकल गई है और हुआ क्या बंधुओं, जब ये रानी पवन रेखा अकेली हो गई तो क्या देखा है उसने? अरे चीते और भालू न्यारे, जैसे ही आगे निकल गई है क्या देखा? बड़े बड़े शेर बड़े बड़े भालू उसके आगे चिल्ला रहे हैं। रानी पवन रेखा एकदम से चिल्ला रही है, दीदी मुझे बचा लो, बहना मुझे बचा लो, ये शेर मुझे खाए जा रहा है। बंधुओं लेकिन
उस दुखिया की आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उस मैया के साथ में एक घटना घट गई। क्या हुआ? तब तक जैसे ही मैया अकेले चिल्ला रही है, उधर क्या हुआ है बंधुओं? दूर में लिख नाम को राक्षस रे भूमध्य की वहां पर आयो, राक्षस ने देखा है तो वो अपने मन में लला ही होने लगा और उसने क्या किया? ये दुर्मिलिक नाम का जो राक्षस था, ये माया भी था। ये माया के द्वारा किसी का भी रूप बना सकता था। आज बंधुओ, इसने राजा उग्रसेन का रूप बना लिया और ये रानी के सामने चला गया। बंधुओ, रानी चिल्ला रही है, दीदी मुझे बचा लो, ये शेर मुझे खाए जा रहा है, ये भालू मुझे खाए जा रहा है। लेकिन बंधुओ, हुआ क्या? मैया को नहीं पता है कि मेरे साथ में कौन सी घटना घटने वाली है। और ये राक्षस रानी के पास में जाकर के क्या बोला? रानी डर गई। जैसे ही मैया पवन रेखा ने देखा है तो एकदम से मैया ने जवाब दिया है कि महाराज, जब मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ में चलिए, तब आपने कहा हम कचेरी में जा रहे हैं, लेकिन अब आप यहाँ कैसे? राजा उग्रसेन का रूप बनाए उस राक्षस ने जवाब दिया कि रानी, तुम महल से चली आई, मुझे अच्छा ही नहीं लगा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। लेकिन मैया को नहीं पता कि ये मेरा पिया नहीं बल्कि कोई राक्षस है। बंधुओं, उसी समय जवाब दिया है रानी, डरो मत, तेरा रखवाला तेरे सामने हाजिर है। और क्या जवाब दिया है? मेरी बात सुनो। और राक्षस आज मैया से क्या बोला है? रानी पवन रेखा से उस राक्षस ने कि हम चंपा नर की कमलों की वादी बन करके आए हैं, मेरी प्राण प्यारी के बराबर तुम नहीं हो सकते। और जवाब दिया, इसीलिए रानी तुम जल्दी से आ जाओ। राक्षस बोला है क्या? मेरी बात सुनो। पवन रेखा से क्या बोला? कि आए गुलाब तेरी क्षमता पर,
ठगड़ सजनी दो चलने न चलाई दी तो जवाब दिया है रानी पवन रेखा से राक्षस ने कि अगर तुम्हारे सामने गुलाब आता है तो उसके सामने अपने ये होठ हिला देना, अगर कमल तुम्हारे सामने घमंड में आए तो उसके सामने ये अपने दोनों चंचल नैनों को चला देना। और क्या बोला राक्षस जवाब दिया है कि जल्दी से आ जाओ वरना इधर उधर से कोई घूमने के लिए आ जाएगा। बंधुओं रानी पवन रेखा धीरे से जवाब दिया है कि महाराज मैं आपके लिए कभी नहीं मना कर सकती, लेकिन जो इंसान अपनी स्त्री के साथ में दिन में संभोग करता है वो अपने शरीर से कभी सुखी नहीं रहता। बंधुओं जैसे ही इतना कहा है मैया ने तो एकदम से राक्षस ने जवाब दिया तू बड़ी पतिव्रता बनती है और मेरी बात की आज्ञा का पालन नहीं करती। बंधु मैया एकदम से डर गई और जवाब दिया है चलिए महाराज, मैया को नहीं पता है कि आज मेरा सतीत्व नष्ट होने वाला है, मैया को ये नहीं पता है कि ये मेरा पिया नहीं बल्कि कोई राक्षस है और ये मेरे पिया का रूप बनाए है। बंधुओं क्या किया है इस पापी ने, धोखे से पानी चने करो सती शंख भोग, धोखे से पानी चने करो सती शंख भोग, भगत हो गया अंत में खुद पापी का संयोग, और क्या हुआ भैया कि भैया आज पापी ने मैया के साथ में धोखे से संभोग किया और अंत में इस पापी का संयोग उसके सामने आ गया। एकदम से मैया अपने खोपड़े को पकड़ करके रोने लगी है और जवाब दिया और नीच मैं तुझे श्राप दे देती लेकिन उससे पहले ही तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। बंधुओं मैया पवन रेखा बैठी बैठी रो रही है और जवाब दिया है इसने राक्षस ने कि महारानी आप हमें गालियां तो बहुत दे चुकी हो लेकिन जब मैंने तुम्हें जंगल में आते हुए देखा तो मैं अपने मन को रोक नहीं पाया क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। फिर मैंने देखा तुम खूबसूरत तो उस परमात्मा ने खूब बनाया है लेकिन तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए मैंने तुम्हारे सूखे बाग में पानी डाला है और तुम मुझे गालियां दे रही हो। खैर कोई बात नहीं रानी, और क्या जवाब दिया कि जा मेरे अंश से तेरे गर्भ से बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत ही बलशाली बेटा पैदा होगा। बंधुओं और वो कैसा होगा, एकदम से मैया ने जवाब दिया अरे नीच वो तेरे जैसा होगा क्योंकि जैसा बाप वैसा ही बेटा होगा। बंधुओं हुआ क्या, राक्षस ने जवाब दिया है सुनो महारानी कैसा होगा मेरा बेटा कि मेरे साथ
की है कौन कहे और रविंद्र हार के जाएगा। और क्या बोला पापी, अरे साधु ब्राह्मण गैयन को बेसक बहुत सताएगा, काजी याद कर ले वो हकीमा फन मारा जाएगा। जवाब दिया है राक्षस जी की रानी पवन रेखा, मेरे अंश से जो बेटा पैदा होगा वो बड़ा ही बलशाली होगा। लेकिन उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। बंधुओं हाँ मान लो भाई आइए फोन लो जल्दी जल्दी। बंधुओं जवाब दिया है रानी पवन रेखा, तो साधु और ब्राह्मणों गैयों को बहुत सताएगा, लेकिन उसको मारने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। इधर इतना कहकर तो राक्षस वहां से चला गया और रानी पवन रेखा की सखियां आ गई हैं और जवाब दिया, बहन क्या बात है, तुम्हारी ये होठों की लाली कपोलों पर कैसे आ गई और तुम्हारी ये कानों की लटकन बालों में कैसी उलझी हुई है। तो रानी पवन रेखा ने क्या जवाब दिया कि बहन कुछ मत पूछो, क्या हुआ और क्या बोली है आप पवन रेखा। एक हट्टा कट्टा सो बंदर मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया, रानी पवन जवाब दिया है कुछ मत पूछो बहना, एक बड़ा मोटा सा बंदर आया, जब तुम यहाँ से चली गई मैं तो अकेली रह गई और मुझे नींद आ गई, तब तक एक बड़ा मोटा सा बंदर आया, उसने एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा और मेरे सारे श्रृंगार को बिगाड़ के चला गया, और ऐसा ही नहीं बहन मेरी चूनर को भी फाड़ गया। और जवाब दिया है कि बहन मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो आप जल्दी से घर पे चलो। बंधुओं आज महारानी पवन रेखा ने असली बात को छुपा लिया और अपनी सखियों के साथ में महलों में आ गई। हुआ क्या, वो समय आया है 9 मार्च बीत जाने के बाद में। और एक बात और बता दूं बंधुओं, जब सपूत पैदा होते हैं तो शगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो अपशगुन होते हैं, लेकिन जब कंस पैदा हुआ है तो क्या दशा हो गई है सुनिए, कि बच्चे के पैदा होते ही और आधी तूफान मचाने लगी, आधी तूफान मचाने लगी, गैया तो कप गई घोटन पे, महाप्रलय दिखलाने लगी। बंधुओं जब कंस पैदा हुआ है तो ये दशा हो गई है,
और इतना ही नहीं, जब कंस 8 वर्ष का हुआ है तो ये क्या उत्पात मचाने लगा, ध्यान दें। जनता में तहलका मच गयो है, जनता में तहलका मच गयो है, और शेर बनो बोली है, जनता में तहलका